हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एडेनियम की रिपोर्टिंग और प्रूनिंग के बारे में। फरवरी शुरू होकर आधा हो चुका है, अब धूप तेज गिरने लगी है। ये मौसम एडेनियम की प्रूनिंग और रिपोर्टिंग के लिए अच्छा होता है। इस मौसम में आप एडेनियम की रिपोर्टिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैंने 15 फरवरी से शुरू कर दिया है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं हमें रिपोर्टिंग क्यों करनी है। सबसे पहली वजह हो सकती है रूट बाउंडिंग। ये देखिए, मेरे इस एडेनियम की रूट बाउंड हो चुकी है। रूट्स ड्रेनेज होल से बाहर आने लगे तो हमें समझ जाना चाहिए कि रूट बाउंड हो चुके हैं और हमें रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग की दूसरी वजह हो सकती है रूट रॉट। पानी देते वक्त हमें एडेनियम को चेक कर लेना चाहिए कि उसका स्टेम या बाहरी रूट्स गल तो नहीं रहा, तो ये एक वजह हो सकती है रिपोर्टिंग की। और एक वजह हो सकती है रिपोर्टिंग की, अगर आपका गमला इस तरह से टूट जाए तो। मेरा ये एडेनियम डोरमेंसी से बाहर आया है और इसमें फूल आकर गिर गए हैं, मतलब इसकी ग्रोथ भी ठीक से नहीं हो रही है। गमला भी टूट चुका है और रूट बाउंडिंग भी है, तो मैं इसे रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। साथ में इसकी प्रूनिंग कैसे की है वो भी बताऊंगी। रिपोर्टिंग करने से पहले आपको अपने एडेनियम को 4-5 दिन तक पानी नहीं देना है, जिससे गमले की मिट्टी पूरी तरह सूख जाए। साइड वाली मिट्टी लूज करके इसे आप ढीला बना दें। रिपोर्ट करने से पहले आइए इसकी प्रूनिंग करते हैं। प्रूनिंग के लिए आप नया ब्लेड ले सकते हैं या कोई भी कटर जो स्टरलाइज हो। फ्रेंड्स, जितना एडेनियम लो मेंटेनेंस प्लांट है उतनी केयर हमें रिपोर्टिंग के वक्त लेनी होती है। इस तरह से मैंने इसकी प्रूनिंग कर ली है। फ्रेंड्स, इन छोटी कटिंग्स को आप सैंड में ग्रो कर सकते हैं। प्रूनिंग के बाद ब्रांचेस पर मिल्क जैसा सैप निकलता है, उसे हमें टिश्यू पेपर से ड्राई कर लेना है और उस पर कोई भी फंगीसाइड लगाना है। आप साफ या ट्राइकोडर्मा या फिर ये नहीं है तो सिर्फ दालचीनी या हल्दी का पाउडर भी लगा सकते हैं। इसे लगाने से ब्रांचेस में डाईबैक की प्रॉब्लम नहीं होगी। एडेनियम के लिए कई तरह की पॉटिंग मिक्स बनाई जाती है फ्रेंड्स, पर मैं आपको यहाँ सिंपल वाला तरीका बताऊंगी। पॉटिंग मिक्स में आपको लेना है सैंड। सैंड होना बहुत ही जरूरी है, इससे एडेनियम की सॉइल वेल डन रहेगी। उसके बाद गार्डन सॉइल 30% तक, थोड़ा चुटकी फंगीसाइड, कुछ डीएपी के दाने अच्छी फ्लावरिंग के लिए। 20% आपको लेना है वर्मी कंपोस्ट। उसी के साथ एक स्पेशल चीज आपको उसमें ऐड करनी है, वो है एक मुट्ठी राख या चारकोल आपको लेना है। ये एंटी फंगल या एंटी बैक्टीरियल का काम करेगा। मिट्टी में फंगीसाइड डालना ना भूले। फ्रेंड्स, आप गोबर की खाद भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो फुल्ली डिकम्पोज हो। पूरी सड़ी हुई गोबर की खाद ही आपको यूज करनी है, मतलब 2-3 साल पुरानी। अगर आधी सड़ी हुई गोबर की खाद आप लेंगे तो बाद में आपके एडेनियम को वो खाद गला सकती है। बताई गई पॉटिंग मिक्स को आप कड़ी धूप में 4-5 दिन तक सुखा ले और फिर उसे यूज कर सकते हैं। इस मिट्टी को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये देखिए, मिट्टी का टेक्सचर बिल्कुल इतना भुरभुरा होना चाहिए। भुरभुरी मिट्टी ही एडेनियम के लिए अच्छी होती है। चलिए अब एडेनियम को गमले से बाहर निकालते हैं। मिट्टी अब देखिए पॉट की पूरी तरह सूखी हुई है। देखिए, एडेनियम का पौधा पूरी तरह से गमले में रूट बाउंड हो चुका था। पूरी तरह से मिट्टी निकल जाने के लिए हम इसे आधे घंटे के लिए पानी में छोड़ देंगे, जिससे जड़ों में फंसी मिट्टी भी निकल जाएगी। पुरानी मिट्टी भी हम धूप में सुखाकर फिर से यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आधे घंटे के करीब हो गया है। अब मैं इसे निकाल के हल्की धूप में या हवा में सूखने के लिए रख दूंगी। एडेनियम के रूट्स पूरी तरह सूख गए हैं। फ्रेंड, अब बारी है रूट प्रूनिंग की। एडेनियम के रूट्स को आप किसी भी तरह ट्रेन कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक पत्थर रखा था तो वहाँ पर गैप हो गया है। रूट ट्रेन करना एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है। फिलहाल तो मैं जो लंबी रूट्स है उन्हें कट करने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे इस एडेनियम में कोई भी रूट रॉट नहीं हुआ है। मैं फिर से कह रही हूँ, जो भी आप रूट प्रून करने के लिए यूज करें इक्विपमेंट, उसे स्टरलाइज कर लें। काफी हद तक फ्रेंड्स मैंने रूट प्रून कर लिए है। रूट के हर पॉइंट को फंगीसाइड लगाने से अच्छा है इसे आप फंगीसाइड के घोल में आधे एक घंटे के लिए डुबोकर रख दे। तब तक हम गमला प्रिपेयर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये 8 इंच वाला गमला लिया है और इसमें आप देख सकते हैं ड्रेनेज होल है।
मुझे फ्लैट पॉट चौड़ा मुंह वाला पॉट नहीं मिला, इसलिए मैं ये गमला ले रही हूँ। उसके ड्रेनेज होल में बिछाने के लिए मैं मोटे ईंट के टुकड़े लूँगी। करीब आधे घंटे के ऊपर हो गया है फ्रेंड्स। अब इस एडेनियम को हमें फिर से हवा में सूखने के लिए रखना है। इतना सब कुछ करेंगे तभी हमारा एडेनियम अच्छे से रहेगा, सड़ेगा नहीं या गलेगा नहीं। करीब आधा गमला भरने के बाद अब बात करते हैं फर्टिलाइजर की। ये है वर्मी कंपोस्ट और डीएपी के कुछ दाने। वैसे तो सुबह की धूप से लेकर शाम की धूप ही अच्छा फर्टिलाइजर है एडेनियम के लिए। इसे मैं अच्छे से मिक्स करके मिट्टी में मिक्स कर दूंगी। फिर आप एडेनियम को ऊंचा उठाकर जिस पोजीशन में रखना चाहे, जैसे आपको पसंद हो उस पोजीशन में रख सकते हैं। ध्यान रहे कोई एयर पॉकेट ना रहे, इसलिए किसी भी नुकीली चीज से आप इसे इस तरह से मिट्टी को नीचे दबा ले। आप इसे अभी पानी ना दे, जब इसमें थोड़ी सी ग्रोथ शुरू हो जाए तब आप इसमें पानी दे सकते हैं। तब तक आप इसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं। तो बस फ्रेंड, इस तरह से अगर आप अपने एडेनियम को रिपोर्ट और उसकी प्रूनिंग करेंगे तो आपका एडेनियम कभी खराब नहीं होगा, गलेगा नहीं। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।